गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, लास्ट क्लास तक आपने सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन बाय इवापोरेशन। अब हम इवापोरेशन मेथड के हेल्प करके कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसी चीज़ को अब हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो पहले तो आप ये लिख लें कि इवापोरेशन क्या होता है। द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इन टू अ वेपर और अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम हीट करते हैं और एक लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। फिर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेंगे। इवापोरेशन हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर कोई एक सॉलिड पार्टिकल कम्प्लीटली लिक्विड में मिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर या शुगर वाटर का मिक्सचर, वो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है। आप चाहे इसको फिल्टर पेपर से, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर लें, नहीं होगा। आप चाहे इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर लें, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन ये दो मेथड तभी काम आते हैं जब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें मिक्स किया गया है वो सॉलिड पार्टिकल्स कैसा हो, इनसॉल्युबल हो। लेकिन ये तो सॉल्युबल होते हैं, जहाँ सॉल्युबल आपको मिल जाए वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इवापोरेशन मेथड। सो देखिए, द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू व्हेन ऑल द वाटर और लिक्विड हैज इवापोरेटेड। तो हम करते क्या है इसमें, इवापोरेशन मेथड जब यूज करते हैं तो हीट करते हैं मिक्सचर को। इससे क्या होता है, जो लिक्विड होती है वो तो गैस बन जाता है, यानी वाटर वेपर, जबकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो गए रहते हैं वो उसी कॉन्टेनर में हमें देखने को मिल जाते हैं। द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट लिक्विड्स वेपराइज इजली वेयर एज सॉलिड्स डू नॉट वेपराइज इजली। और ये जो इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट है ना यूज करने का, वो सिंपल से ही किसी बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी वेपराइज नहीं होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स आराम से वेपराइज हो जाते हैं। जब आप हीट करने लगते हैं तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब तो वेपर बन जाते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स उसमें वैसे ही बचे मिल जाते हैं। लिक्विड के वेपर्स को हम स्टोर कर लेते हैं, बाद में हम उसको ठंडा करते हैं। और आपको पता है इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ गैस और वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और वाटर। कोई भी गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या बनती है, लिक्विड। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर बट इट इज वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। जो इवापोरेशन प्रोसेस है ना, ये तो वो किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है, रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, मतलब होता है धीरे धीरे होता है। इवापोरेशन कैन बी मेड क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। अब उसके लिए क्या करना, अगर आपको तेज काम अपना जल्दी कराना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, यानी कि आपको अपने सॉल्यूशन जो मिक्सचर है उसको हीट करना होगा। इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर देन वी कैन नॉट सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर मेरे पास नमक और पानी का मिक्सचर है और मैं चाहूँ कि नमक और पानी अलग अलग हो जाएं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन, तो दोनों में से कोई मेथड काम नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज कॉमन सॉल्ट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट होते हैं ना वो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं एंड नॉट इनसॉल्युबल इन इट, और उसमें वो पूरी तरह से इनसॉल्युबल नहीं होते। इनसॉल्युबल का मतलब वो ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं होते, क्योंकि वो पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं या फिल्ट्रेशन तो भी आप इनको अलग अलग नहीं कर पाते। वी कैन रिकवर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर और सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर वही इवापोरेशन मेथड यूज करना होता है। द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो आप इसको लिखेंगे कि जो कॉमन सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है उस मिक्सचर को हम इवापोरेशन की प्रोसेस की हेल्प से अलग अलग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन एज द फॉलो। इसके लिए नीचे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, आप उनको फॉलो करके काम कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इज टेकन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश प्लेट को बोलते हैं, जो कि लैब में प्लेट्स पाए जाते हैं उनको हम चाइना डिश कहते हैं। एंड हीटेड जेंटली बाय यूजिंग अ बर्नर। फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं धीरे धीरे।
एक टाइम के बाद जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि सॉल्ट के पार्टिकल्स अभी भी उसमें बचे रहेंगे। फिर जो वेपराइज पार्टिकल्स आप उनको स्टोर कर लें, उनको ठंडा कर दें, वाटर अलग हो जाएगा इस तरह से, और आपका जो सॉल्ट था वो अलग हो गया। इसी तरह ये काम करता है, ठीक है। तो आप इसको यहां से लेके कंप्लीट यहां तक लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम वगैरह आप बना लेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप घर पे इसको एक बार ट्राई करेंगे, इसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, अगली क्लास में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लाइट चली गई तो अभी ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच।